हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों। एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल कोई झूठ न्यूज़ फेक न्यूज़ समझ के इग्नोर नहीं करना दोस्तों, नहीं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो जाए और आप बुरी तरह फंसोगे। दो तीन मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, एक सर्वे में पाया गया है कि आपको पता है कि आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि ये वाला एयरपोर्ट पर दो लोग गिरफ्तार हो गए, दूसरे चेन्नई एयरपोर्ट पर 10 लोग गिरफ्तार हो गए, दिल्ली एयरपोर्ट पर इतना लोग गिरफ्तार हो गए। तो एक सर्वे आया और बताया दोस्तों कि एक साल के अंदर 2000 से ज़्यादा इंडियन को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। क्या कारण है दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर 90% जो गिरफ्तारी हुई है वो दुबई से जाने वाले लोग के साथ गिरफ्तारी हुई। उनका कारण है बहुत सारे तो स्कैमर लोग हैं। आपको पता है कि अलीगल यहाँ से गोल्ड ले जाने का जो रूल है गवर्नमेंट पहले ही फाइंड करके रखी है। अगर आप लेडीज़ हो तो यहाँ से 1 लाख रुपये का, दरहम का नहीं दोस्तों, 1 लाख रुपये तक का गोल्ड लेकर जा सकते हो, और जेंट्स हो दोस्तों तो 50,000 रुपये तक का गोल्ड यहाँ से लेकर जा सकते हो। इसके अलावा अगर लेके जाओगे और पकड़े जाओगे तो या तो आपको बड़ा टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं तो अगर चोरी से लेके जाओगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ से ज़्यादा चला गया, कानून की जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट को आपको शो करना पड़ेगा कि ये चीज़ है, बस उन पर टैक्स लगेगा और आपको छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों, आप अलीगल तरीके से चोरी से छुपा कर अगर लेकर जाओगे, उस टाइम पकड़े जाओगे दोस्तों, तो आपको गिरफ्तारी होगी और आपको घर जाने के बजाय जेल चले जाओगे। इसलिए यह बात का लाजिम ख्याल रखें। और 90% जो गिरफ्तारी हुई है दोस्तों, सर्वे में बताया है कि ये कारण है गोल्ड यहाँ से लेकर, कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का, इस तरह से गोल्ड लेकर जाते हैं, क्योंकि प्राइस और यहाँ पे क्वालिटी में भी डिफरेंट है। इंडिया में थोड़ा गोल्ड का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे दोस्तों दुबई में आपको पता है कि गोल्ड का क्वालिटी हाई है और रेट में थोड़ा 2 से 2.5-3 हज़ार, लगभग 10 ग्राम गोल्ड पर 3 से 4 हज़ार तक का डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स गोल्ड पर कम है, इंडिया में टैक्स ज़्यादा है। इसका लाजिम ख्याल रखें। अगर कोई आदमी अगर आपको बोले भी कि ये मेरे लिए कुछ सामान है, इसमें थोड़ा लेकर चले जाओ, तो उसमें चुप्पे से वो लोग कुछ रख देगा या फिर गोल्ड ही रख देगा, बाद में एयरपोर्ट पर पकड़े जाओगे, फिर बोलोगे ये हमारा नहीं है, तो वो लोग ये नहीं सोचेगा कि आपका नहीं है, जिस आपके पास से निकला है तो ये आपका है। इसलिए ये लाजिम ख्याल रखे, यहाँ से जो रूल है रूल के मुताबिक चले। जैसे कि सर्वे में बताया है कि 2000 से ज़्यादा लोग को एक साल के अंदर गिरफ्तार किया गया और मामला यही है। ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, कुछ कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।